नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी लहंगे के ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। जैसे मेरे पास ये लहंगे का ब्लाउज स्टिचिंग करने आया है तो मैंने सोचा है कि ये आपके साथ शेयर करूं। तो देखिए, सबसे पहले जो लहंगे का ब्लाउज होता है ना, उस पे डिजाइन बनी होती है इस तरीके से। यहाँ पे देखिए बाजू की डिजाइन है और ये आप आगे भी रख सकते हैं, पीछे भी रख सकते हैं इस तरीके से। ये दोनों साइड बाजू है, एक यहाँ पे बाजू है और एक यहाँ पे। हम इसकी कटिंग करेंगे। अब जो ये प्लेन है इसको हम पीछे की साइड रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब हम लहंगे की ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो अपना जो अस्तल है उसकी मेन कटिंग होती है, उसको हमें अच्छे से काटना है। उसके बाद जो अस्तल है उसको इसके ऊपर रखना है। तो देखिए, अस्तल को हम डबल करके रखेंगे। पहले यहाँ पे हमारा ये अस्तल डबल है, ये देखिए डबल है। अब देखिए, जैसे ही हमारा ब्लाउज है नाप का, तो इसको हमें यहाँ पे चेस्ट का नाप लेना है। देखिए, इसकी जो चेस्ट है वो है 38 38 चेस्ट है, और इसकी जो लंबाई है वो हम यहाँ से शोल्डर से लेंगे। इसकी लंबाई है 14 इंच। अब देखिए, जैसे पीछे का जो पल्लर था वो हमारा 19 इंच था, तो यहाँ पे हम 19 इंच पे ये निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे गुंजाइश लेंगे 3 इंच। अब हमें जो पीछे की लंबाई है उसको देखना है पहले। तो पीछे की लंबाई जैसे हमारी 14 इंच है, तो हम यहाँ पे 15 इंच लेंगे। यहाँ पे हमें 15 इंच लेना है और 1 इंच हमें आगे का पल्लर बड़ा लेना है। अब इसको हम डबल करेंगे। अब डबल करने के बाद अब हम जैसे पीछे का गला डीप बनाएंगे तो यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे, वो लेंगे 5.5 इंच। 5.5 इंच शोल्डर, आरूमल लेंगे 6 इंच, चौकुटा निशान। उसके बाद देखिए यहाँ से गोलाई इस तरीके से। अब पीछे का पल्लर हटा लेंगे, आगे का जो पल्लर है यहाँ पे हम इस तरीके से 1/2 इंच कटिंग करेंगे। अब आगे का जो डिजाइन है उसके ऊपर इसको रखेंगे, तो यहाँ से हमें इसे बराबर रखना है। इस तरीके से रखेंगे इसको। अब देखिए, यहाँ पे जो लंबाई कम है तो यहाँ पे हम पट्टी लगा लेंगे, क्योंकि इसकी जो लंबाई कम है ना, तो जो प्लेन कपड़ा है उसमें से हम पट्टी लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हम इसको बराबर कर लें, छोटा बड़ा हो रहा है। अब यहाँ पे हम गले की चौड़ाई लेंगे 3 इंच, क्योंकि इसका जो गला है वो इस तरीके से है शेप में। गले की लंबाई जो है इसकी जो डिजाइन उसी तरीके से रखेंगे इस तरीके से। अब देखिए, इसमें अगर आप चाहें तो बन टक्स भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो डिजाइन है वो ज़्यादा डिजाइन है। तो यहाँ पे हम अगर सिलाई मशीन चलाएंगे तो हमारी सुई भी टूट सकती है, तो इसको हम बन टक्स पे भी बना सकते हैं। और ये वेलवेट का कपड़ा है तो यहाँ पे हम ज़्यादा प्लेटें नहीं डालेंगे, बस एक प्लेट डाल लेंगे बन टक्स। तो हम यहाँ पे अपना जो फिटिंग का कपड़ा है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा 19 इंच जो पीछे का पल्लर था, तो उसको हम इस तरीके से आधा करके यहाँ पे इस तरीके से अपना जो फिटिंग का कपड़ा है वो निकालेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसको ऐसे करेंगे। अब हम यहाँ पे अपना टक्स का निशान लगाएंगे, तो टक्स का निशान हम यहाँ पे 10 इंच पर लगाएंगे और इस तरीके से हम अपनी प्लेट डालेंगे। इसको हम डबल करके चौड़ाई लेंगे 1.5 इंच, जब ही हमारा अच्छा सा पप आएगा। अगर आप चाहें तो इसको प्रिंसेस कट में भी इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये हमारा आगे का पल्लर कट गया है, अब हमें अपना पीछे का पल्लर काटना है। अब देखिए, यहाँ पे जो वेलवेट का कपड़ा है तो इसमें हम डिजाइन बनाएंगे, क्योंकि ये मोटा कपड़ा है इसमें हमें बुकरम लगाने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर गले के ऊपर लेस लगा लेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने आगे की जो गले की चौड़ाई ली 3 इंच, तो हम पीछे भी 3 इंच लेंगे
और लंबाई हम इसकी रखेंगे 10 इंच इस तरीके से। अभी हमारी लंबाई हो गई। अब हम यहाँ पे लेंगे 4 इंच और इसमें हम इस तरीके से गोलाई में निशान लगाएंगे। अब इसके बाद जैसे हम यहाँ पे कोई डिजाइन बनाना चाहें तो इसमें हम डिजाइन बना सकते हैं। इसको हमें नीचे की साइड से 5 इंच लेना है। अगर आप चाहें तो 4 इंच भी लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे अभी 4 इंच रखेंगे क्योंकि फिर चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी और आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम इसमें शेप दे लेंगे डिजाइन का। अभी अस्तर जुड़ा हुआ है, इसको भी काट लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी डिजाइन आ जाएगी। तो यहाँ पे हम डोरी लगा लेंगे। अस्तर को इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और फिर यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे कपड़ा है बाजू का, तो इसकी जो चौड़ाई है वो कम है। देखिए तो हमारा जो यहाँ पे देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो है 16 इंच। तो इसको हमें ये बीच की जो डिजाइन है वो निकालनी है इस तरीके से। तो हम यहाँ पे लेंगे 3 इंच इस तरीके से, हमें 3 इंच पे ये निशान लगाना है। उसके बाद इस तरीके से हम ऊपर की साइड लेके जाएंगे। जितनी इसकी जो डिजाइन है उतनी ही हमें बाजू रखनी है। तो यहाँ पे 7 इंच आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जैसे चौड़ाई कम होगी ना, तो ये जो कटिंग का कपड़ा बचा हुआ इसको हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। इससे क्या है, हमारी चौड़ाई आरूमल में जो कम है वो बराबर आ जाएगी। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से कटिंग करेंगे क्योंकि ये डिजाइन है वो हमें बराबर निकालनी है। अब देखिए हमारी ये बाजू कट गई। अब देखिए ये हमारा आगे का पल्लर हो गया और ये हमारा पीछे का हो गया। तो देखिए कितनी आसान और सरल तरीके से मैंने आपको कटिंग बताई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कुछ पूछना या सीखना है तो प्लीज नीचे कमेंट करें। अगर आप पे स्टिचिंग नहीं आती है तो प्लीज चैनल में देख लें। ये वीडियो के नीचे हमारे चैनल का नाम आ रहा है टेलरिंग इन हिंदी चैनल, आप उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ऊपर लिख के आएगा वीडियो, फिर आप उस पर क्लिक कीजिए तो पूरा चैनल आ जाएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।